हेलो फ्रेंड्स, 5 मिनट रेसिपी विद चालू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पिज्जा पराठा की बहुत ही अल्टीमेट रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होती है। और ये रेसिपी बनाने में एकदम आसान और फटाफट से बनने वाली है। बिल्कुल भी टाइम इस रेसिपी में नहीं लगता है। जब भी कभी आपके बच्चे इसको बोलने की जिद करें तो आप फटाफट से इसको बनाकर उनके लिए तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अपनी हर वीडियो में मैं एक टिप देती हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिज्जा पराठा बनाना। पिज्जा पराठा बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले 2 मीडियम साइज की प्याज ले रहे हैं, जिनको कि हमने बहुत छोटे साइज में यहाँ पर कट किया है। और इसके अलावा मैंने हरी और पीली शिमला मिर्च ली है, तो ये दोनों एक ही शिमला मिर्च मिलाकर है और बहुत छोटे साइज में मैंने इसको काट लिया है। और कुछ मेरे पास ये ग्रेटेड चीज है, तो वो मोजरेला चीज है ये। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर पास्ता और पिज्जा सॉस इसमें ऐड ली है, और कुछ ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स है। तो ये सब आराम से हर चीज मार्केट में मिलती है। और इसके अलावा ये मेरे पास गुथा हुआ गेहूं का आटा है, तो ये नॉर्मल आटा है जो हम जिससे हम रोटियां अपनी बनाते हैं। तो ये हमारा सारा सामान तैयार है और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये मैंने एक आटे की लोई ली है, तो ये नॉर्मल लोई है, उससे मैंने थोड़ी सी इसको बड़ी ली है बस, ताकि हमारा जो पराठा है वो पतले से पतला हम इसको यहाँ पर बेल सकें। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने हल्का सा यहाँ पर सूखा आटा लगाया है और प्रॉपर मैं इसको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मैं बेलती जा रही हूँ। और इस तरह से हम इसको बड़े से बड़ा यहाँ पर और पतला साइज में इसको बेल लेंगे। पर ध्यान रखिए, पतला भी इतना ना हो कि वो बिल्कुल हमको उसको उठाने में ही प्रॉब्लम हो जाए। तो हल्का सा सूखा सूखा आटा बीच बीच में लगा लगा कर इसको हम बड़ा यहां पर कर लेंगे। और अब ये देखिए, इस पर मैं पिज्जा सॉस पूरे पर अप्लाई करूंगी। इक्वली यहाँ पर हमें पिज्जा सॉस इस पर लगानी है, सारे कोनों पर अच्छे से। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसका हाफ पोर्शन है हमारे पराठे का, तो उस पर मैं इस तरह से प्याज इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हाफ पोर्शन में ही हमें सब चीज यहाँ पर डालनी है। तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पर हरी और पीली शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर दी है। आपके पास अगर रेड वाली शिमला मिर्च है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, और दोनों में से कोई नहीं है तो आप उसके बिना भी इसके में काम चला सकते हैं, केवल हरी वाली शिमला मिर्च से। और अब ये मैंने जो ग्रेटेड चीज है वो भी इस पर ऐड कर दी है, और अब ये जो ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स है ये भी मैंने पूरे पर अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है। और अब जो बचा हुआ हमारा पोर्शन है वो मैं ऊपर से इस पर इसको कवर कर रही हूँ, और साइड के जो कोने हैं उनको ये मैंने यहाँ पर एक फोक लिया है, और फोक से मैं इनको अच्छे से बिल्कुल जेंटली इसको हमें यहाँ पर प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, वरना ऐसा ना हो कि हमारा जो पराठा है वो फट ही जाए। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चाहे तो आप फिंगर से भी इसको हल्के हाथ से इस तरह से कर सकते हैं। और सेम यही प्रोसेस मैं जो हूँ दोबारा से यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, तो यही मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने दोबारा से ये सेम प्रोसेस किया है। तो ये देखिए, नॉर्मल मैंने फिर से एक पराठा बनाया है, और उसके बाद है मैं वही सेम प्रोसेस फिर से यहाँ पर अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले इस पर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी, और उसके बाद वही ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स और जो भी हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, प्याज हो गई और कैप्सिकम हो गई, वो मैं इस पर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम इसमें टमाटर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि टमाटर जो है थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में हो जाता है और फिर हमारा जो पराठा है उससे वो फट जाएगा। तो जो भी चीज़ें हम इसमें लें, काफ़ी ड्राई जो चीज़ होती हैं वही चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। और टॉपिंग हमें यह भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा भी इसमें हमें ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हमें पराठे का बहुत ध्यान रखना है कि हमारा पराठा कहीं से फट ना जाए। तो देखिए, सेम प्रोसेस मैंने सब कुछ सेम इसी तरह से किया है, और फोल्ड करके अब मैं इसके साइड के जो हमारे एजेस हैं उनको मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ। तो अब ये दोनों हमारे पिज्जा पराठे यहाँ पर तैयार हैं, और अब मैं इनको यहाँ पर मैंने एक तवा लिया है, तो मेरे पास ये टोस्टर है, तो ये नॉर्मल टोस्टर है मेरे पास ये पिज्जा बनाने के लिए। तो आप इसको चाहें तो तवे में भी बना सकते हैं। तो कोई भी नॉर्मल आप नॉनस्टिक तवा ले लें और उस पर हल्का सा ऑयल डाल लें और इस तरह से ब्रश से ऑयल को फैला दें, और उसके बाद ये जो हमारे जो हमने पराठे यहाँ पर तैयार कर रखे हुए हैं उस पर हम इसको डाल दें। तो पराठे के ऊपर हल्का सा ये देखिए ऑयल ब्रश से इस तरह से फैला दें,
और दूसरा भी मैंने जो पराठा बनाया था वो भी मैंने सेम प्रोसेस अप्लाई किया है, और हल्का सा ऑयल इस पर भी मैंने इस पर लगा दिया है। और अब जैसी एक साइज से हमारा ये जो पराठा है अगर सिक जाएगा तब मैं इसको पलट दूंगी। तो अभी मैंने चेक किया था तो ये एक साइड से सिका नहीं था, पर अब ये देखिए एक साइड से थोड़ा सा सिका है, तो मैंने इसको इसके जो साइड है उसको चेंज कर दिया है। और अब 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूंगी। और ये देखिए साइड से हमारा एक साइड से कितना बढ़िया हमारा जो पराठा है बनकर सिक गया है, और दूसरा पराठा भी सेम हमारा इसी तरह से सिक गया है। आंच को हम अपने यहां पर मीडियम रखेंगे, क्योंकि तेज आंच पर क्या होगा हमारा जो पराठा है बाहर से तो सिक जाएगा बट लेकिन अंदर से वो जो भी टॉपिंग है हमारी काफी कच्ची रह जाएगी और चीज भी हमारी मेल्ट नहीं हो पाएगी। तो अब ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद दोनों साइड से हमारा जो पराठा है सिक गया है, और अब मैं इसको बीच से इस तरह से कट कर रही हूँ। और पराठा हमारा पिज्जा पराठा सर्विंग के लिए एकदम तैयार है। और अब मैं इनको एक प्लेट में शिफ्ट करूंगी और उसके बाद मैं इनको सर्व करूंगी। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमारा पराठा बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है, और इसी तरह से हम और भी पराठे बना लेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, और आई एम श्योर ये आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा, और बच्चों का तो ये बहुत ही फेवरेट होता है। मेरे बच्चों का तो ये स्पेशल बहुत ही फेवरेट है, कभी भी वो फरमाइश कर देते हैं कि पिज्जा पराठा बनाने के लिए। और ये भी देखा आपने कितनी जल्दी ये बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और अपने व्यूज मेरे साथ शेयर करें, ताकि इसी तरह की और भी रेसिपीज मैं आप सभी को दोबारा से दे पाऊं। और फ्रेंड्स अब टाइम है आज की टिप का। तो आज की टिप ये है कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जब धनिया हम जो हरा धनिया होता है मार्केट से जब हम खरीद कर लाते हैं तो अक्सर वो 3 से 4 दिन के बाद खराब हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आप क्या करें कि जब भी धनिया मार्केट से लाएं उसको अच्छे से साफ कर लें, उसके जो डंठल हैं उसको हटा दें और क्लीन करके उसको धोएं ना, और बिन धोए उसको एक जो प्लास्टिक का डिब्बा होता है ढक्कन वाला उसमें नीचे उसके आप जो भी नैपकिन होता है प्रॉपर वो नैपकिन लगा दें और उसके ऊपर वो धनिया आप रख दें, और ऊपर से फिर से उसको नैपकिन से कवर कर दें, तो आपके जो धनिया है वो हफ्ते 10 दिन तक आराम से फ्रेश रहेगा और ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी और एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।